गुड इवनिंग राखी, कैसी हैं? क्यों, क्या हो गया? क्यों, तबीयत खराब चल रही है भाई? तबीयत खराब है फिर भी आप क्लास में हैं, ये बड़ी बात है ना। वेरी गुड, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर किसी को आना हो तो हो सकता है वो भी आ जाए। खुश रहिए मेहमान। आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो फिलॉसफी एक टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, मतलब फिर भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है? अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो आप लोग के लिए इजी है, और नहीं समझ में आए तो फिर तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हाँ, तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं इंडियन स्कूल का, जो इंडियन स्कूल की क्लास पे पढ़े हैं हम लोग, तो इसमें सब चीज कंप्लीट हो गया है। थोड़ा हमको लग रहा है योगा में थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं, जो अष्टांग योग है उसके बारे में बताना हम भूल गए थे। वीडियो में मतलब बोले थे क्लास के टाइम कि बताएंगे आगे, लेकिन वो चीज दिमाग से स्किप कर गया। वो जब मैं दोबारा देखी तो मुझे याद आया कि अष्टांग योग हम बताए नहीं, ये चीज भूल गए। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी कल या परसों में हम बता देंगे। मतलब कल तो फिर संडे क्लास बंद हो जाएगी, तो मंडे को वैसे ट्राई करेंगे 2 क्लास लेने को। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास लेने को सोच रहे हैं, लेकिन अगर हो पाएगा एक्स्ट्रा क्लास तो एक दिन पहले ही बता देंगे। ओके, तो और बाकी जो ये है, आज हम लोग वेस्टर्न स्कूल को पढ़ेंगे, सारे का कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। 2 दिन लग जाएगा मुझे लग रहा है इसमें। आज तो हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ही बचेगा, ज्यादा से ज्यादा कवर आज ही कर लेंगे। तो आज पहली क्लास है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो कॉन्सेप्ट है, जो शुरू में अगर एक बार समझ लिए कि व्हाट इज आइडियलिज्म, व्हाट इज रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, तो आप लोग को आगे की जो चीजें हैं वो समझने में आसान हो जाएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे उसका, तो आगे की चीज समझ में नहीं आगे चीज, क्योंकि टफ होती जाएगी फिर वो चीज। पहले आप लोग इसका एक एक चीज की मीनिंग समझिए कि क्या चीज क्या होता है। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, एकदम सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। और जहां ना आए वहां आप लोग पूछ लीजिए। सब लोग अगर ऐड है ये सब में तो ठीक है, जो लोग नहीं ऐड हैं वो ऐड हो जाएं, और जो लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज कर देंगे @AchalMJDO। तो मैं टेलीग्राम का जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, तो सब सही कर लेंगे। कभी कभी क्या पेन ड्राइव में दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं आता है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लेके चाहे जैसे भी करके 15 मई तक सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि हम जो ओवरऑल एक लगाए थे 2 यूनिट खत्म होने के बाद, कि हम लोग को कम से कम 60 डेज लगेंगे अच्छे से कवर करने के लिए। उसमें भी जैसे कभी कभी हो रहा है कुछ कुछ पॉइंट, जब हम मतलब प्रिपरेशन आप लोग को कर रहे हैं मतलब पढ़ाने का, तो जितना मिल रहा उतना दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट कभी कभी छूट जा रहे हैं उसमें, तो
तो वो पॉइंट हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 15 मई के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्लास लेंगे। हाँ, एक एक यूनिट का रिवीजन करते रहेंगे, 1 या 2 दिन में रिवीजन करेंगे। तो जो चीज़ें मान लीजिए अगर गलती से छूट गए, तो वो चीज़ें हम उसमें भी आपको बता देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा। ओके, ये मैं पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। आपका ये है कि मैं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगी ना एग्जाम में, उस चीज को अगर कोई क्वेश्चन आया उसको समझने की सबसे बड़ी ही कलाकारी है कि आदमी उसको समझ के क्वेश्चन अच्छे से टिक करे। हाँ, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन सही तरीके से उसको चुन पाएंगे कि क्या कह रहा है वो। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस करिए, इसके लिए आप PYQ वगैरह लगाइए। और PYQ के लिए फिलर फॉर्म जो है वो कोशिश कर रहा है, आप में जो आपका जो ऐप है उस पर PYQ यूनिट बाई कुछ ही दिन में पढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो हमारे जो टीम है उसके लिए काम कर रही है, तो ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और जो PYQ हम आपको दिए हैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ा करिए, उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए हैं। अच्छा, मेरे पास एक चीज़ और है, अगर मैं भूल जाऊंगी तो मुझे एक बार मैसेज करके भी याद दिला दीजिएगा कि जो ये अभी ये फेब वाला एग्जाम हुआ है 2023, मतलब अभी वाला जो, उसका मेरे पास है एक पेपर, तो वो पेपर मैं आप लोगों को भेज दूंगी। तो उससे क्या है, किसी एक लड़की का है मेरे पास, तो वो ये नहीं है कि उसका क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्योंकि वो UGC के अकॉर्डिंग नहीं उस पर सही है, किसी ने जो 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 टिक किया है उसका बस वो पेपर है, तो आंसर सही नहीं है, कुछ आंसर गलत भी है उसमें। तो लेकिन आप लोगों को खाली बस एक वो कॉन्सेप्ट देखना है कि मतलब किस टाइप के पेपर आते हैं, आपको समझना कैसे है, किस टाइप के आंसर, थोड़ा सा उससे एक आइडिया ले लेंगे तो आराम रहेगा उसको। मैं भेज दूंगी आज उसे ना। अगर किसी को ज्वाइन करना है क्लास पेपर 1 या पेपर 2, या आपके कोई फ्रेंड अगर वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप उनको मेरा कोड बता सकते हैं ANCH, ये हमेशा 10% इससे ऑफ रहेगा। हाँ, ऐसे जो कोर्सेज हैं वो 1500 के कोर्स हैं एजुकेशन का, 6 मंथ का, और ऐसे कर लेगा अगर मेरा कोड लगा के तो उसको 10% ऑफ मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जिसको जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछो। और एक लोग और क्लास में कौन है थोड़ा बताएगा मुझे। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना है आज, वेस्टर्न फिलोसफी। थोड़ा सा मैं उसको एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा, मैं लिख के बता देती हूँ एक बार आप लोग को, फिर आगे तो हम लोग सब स्लाइड में पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ना, इसका क्या पढ़ना है, कोई भी दर्शन रहेगा, हाँ पहले ही हम बताएं उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। उसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला उसका क्या हो गया, मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, इपिस्टिमोलॉजी। इपिस्टिमोलॉजी, हाँ। दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक्सियोलॉजी पढ़ेंगे उसको। गुड इवनिंग दिनेश, अभी आज की क्लास में तुरंत तुरंत वेस्टर्न फिलॉसफी चल रही है तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और जहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वहाँ तुरंत पूछिए, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट जो है उसका जो बेसिक है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम इसका बेसिक एकदम बता रहे हैं। पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना। कोई भी फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हम 3 तरह के उसको देखते हैं कि उसका मेटाफिजिक्स क्या है, इपिस्टिमोलॉजी क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं जब हम लोग इंडियन फिलॉसफी पढ़ रहे थे, बता चुके थे, लेकिन ये चीज फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंडियन फिलॉसफी जो है उसका मेटाफिजिक्स, इपिस्टिमोलॉजी और एक्सियोलॉजी अलग है और इसका अलग है। मेटाफिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तत्व मीमांसा बोलते हैं। इपिस्टिमोलॉजी को क्या बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। और एक्सियोलॉजी को क्या बोलते हैं, मूल्य मीमांसा। ओके, तत्व मीमांसा के मतलब इसमें हम लोग मटेरियल की बात करते हैं कि क्या तत्व है, किसी भी फिलोसफी का मेन तत्व क्या है। और इपिस्टिमोलॉजी में मतलब उसका ज्ञान क्या है, और इसमें एक्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसका मूल्य क्या होता है। जो मेटाफिजिक्स होती है इसमें हम किसी चीज का वाट खोजते हैं, और इपिस्टिमोलॉजी में हम क्या खोजते हैं, किसी भी चीज का हाउ कि कैसे। जैसे कि मतलब इसमें लाइफ के बारे में अगर सोचिए कि व्हाट इज द लाइफ, लाइफ क्या है, ये क्या हो गया, ये उसका मेटाफिजिक्स हो गया। एंड हाउ वी विल सर्वाइव इन आवर लाइफ,
हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, तो ये हो गया उसका ज्ञान, हाँ मतलब इपिस्टिमोलॉजी। ओके दिनेश कल से जो है ओके। और एक्सियोलॉजी का मतलब कि मूल्य, कि जीवन का मूल्य क्या क्या है, जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या मूल्य का मतलब अपनाना पड़ेगा। ओके ये तीन चीज समझ में आ गया सबको, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, सब लोग पढ़ो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके मेटा फिजिक्स के बारे में। इसका मेटा फिजिक्स क्या कहता है? मेटाफिजिक्स का क्या बोलता है? मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होगा कि क्या होता है, हमको इसमें व्हाट खोजना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, तो ये दो भागों में बटा हुआ है। मतलब ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा फिलोसफी बोलता है, ठीक है। एक क्या हो गया, एक एक लोग मतलब कुछ लोग मानते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है, गॉड ने बनाई है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है, मटेरियल ने, मटेरियल से बनी हुई। ओके तो गॉड का मतलब क्या, गॉड तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है, गॉड मतलब गॉड, गॉड से बनी है। और मटेरियल का मतलब ये हो गया, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे ना, पांच महाभूत की जो बात की थी, क्षिति जल पावन गगन समीरा, मतलब कि पांच चीजों से मिलकर दुनिया बनी है, वाटर से, अर्थ से, एयर से, ठीक है, क्षिति जल पावन गगन से, ये सब लोगों सुने, तो ये सब चीजों से दुनिया मिलकर बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि मटेरियल से बनी, तो मटेरियल यही सब आ गए जो पांच आ गए, और कुछ लोग मानते हैं कि भगवान से मिलकर बनी हुई है, मतलब भगवान ने इसको बनाया है। ओके अब हम लोग एक एक करके एक एक चीज देखते हैं। इसमें क्या है, पहला क्या हो गया आपका, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि आइडियलिज्म आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। बस अगर एक चीज आपको दिमाग में, एक एक पॉइंट बस बताएंगे उसका, वो आ गया तो आई आपको पूरा चीज, आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, फिर उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिलोसफी को समझने में। आइडियलिज्म मतलब गॉड, जो ये लोग होते हैं ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो किसने बनाई है, वो गॉड ने बनाती बनाई है। आइडियलिज्म फिलोसफी वाले जो लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उनके मानने का मतलब है कि ये दुनिया गॉड ने बनाई हुई है। और एक क्या होता है, नेचुरलिज्म होता है, ठीक है। इनका मानना क्या है, दुनिया किसने बनाई है, नेचर ने बनाई है। मतलब नेचुरलिज्म जैसे कि ये मतलब कि ये नाम से ही हो रहा है, नेचुरलिज्म मतलब नेचर। ओके और रियलिज्म, रियलिज्म में क्या है, ये लोग मानते हैं रियल मतलब कि जो चीज दिख रहा है, जो चीज दिख रहा है वही रियल है। रियल में क्या होता है, जैसे हम लोग होते हैं कि मतलब प्रत्यक्ष बोले ना, प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, ये सब याद करने का एक तरीका है। रियल मतलब हो गया प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष क्या है, जो चीज हमें दिख रहा है वही तो प्रत्यक्ष है, जो चीज नहीं दिख रहा वो अप्रत्यक्ष है। मतलब कि क्या हो गया, जो जो रियल है मतलब जो दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट, जो चीज दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, मेरे पास पेन है जिसे मैं लिख रही हूँ, मेरे पास पेन टाइप है, तो ये दिख रही है, ये क्या हो गया, रियल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई हमारी, ये रियल है, बॉटल रखा है, ये सब है, हाँ कैमरा है, ये सब चीजें क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये रियलिज्म हो गया। और दूसरा क्या हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एक आता है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में क्या आता है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है ये लोग मानते हैं यूटिलिटी पे, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। मतलब रियलिज्म मानता है कि जो चीज है वो चीज है, मतलब ऑब्जेक्ट, और ये क्या मानता है, यूटिलिटी, मतलब कि जैसे मेरे पास पेन है, तो रियलिज्म बोला कि ऑब्जेक्ट है, आपके पास पेन है, ये चीज से होके उसका काम खत्म हो गया, फिर उसको कोई उससे मतलब नहीं है। तो प्रैग्मेटिज्म मानता है कि इसकी उपयोगिता क्या, ये पेन है उससे उससे मतलब नहीं है, इसका उपयोगिता है कि नहीं, मतलब ये कोई काम करता है कि नहीं करता, अगर ये काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सब बेकार है दुनिया में। तो ये हो गया यूटिलिटी मांगता है, जो प्रैग्मेटिज्म है यूटिलिटी को मानता है। और एक क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब का क्या होता है कि दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं वो मानव के लिए उपयोगी है तो बढ़िया है, अगर वो नहीं है तो वो बेकार है, मतलब कि जो चीजें हैं
ओके कहाँ जुड़े हैं? पेड़ में? कैसे? एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि मैं कहाँ बता रही थी कि जो चीज मनुष्य के लिए जरूरी है, मतलब जो चीज जरूरी नहीं, मतलब जो चीज मनुष्य के उपयोग में आ सकती है वही चीजें मतलब एग्जिस्ट करती हैं, मतलब वही चीजें प्रकृति में या फिर संसार में है और बाकी सबसे कोई मतलब नहीं हो। तो जो इनका जो दर्शन है इसमें जो चीजें भी होंगी वो मनुष्य की उपयोगिता को, मतलब मनुष्य के लिए वो उपयोगी है कि नहीं है इस चीज को ध्यान में रख के ये चीजें होंगी। ओके तो उन्होंने मेरा कोड यूज किया है, कोड यूज किया होगा तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें आप लोग को दो चीज याद रखना है, हाँ लिखो, मैं लिखती हूँ। तो इसमें आपको मतलब दो फिलोसफर हैं, उनका नाम आप लोग को एकदम से याद करके रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, थोड़ा अलग टाइप के हैं लोग। थेल्स, थेल्स, थेल्स ने क्या बोला था? थेल्स ने बोला था कि ये दुनिया है वो किससे बनी है? पानी से बनी है। सबसे पहले दुनिया में क्या आया, फर्स्ट क्या हुआ, कौन आया? पानी आया और पानी से सारी दुनिया का विकास हुआ। जैसे अभी आपसे अभी इसके पहले जितने लोग थे दो वर्ड में बांट गए थे, कुछ लोग कह रहे थे ओके ओके, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब कि गॉड ने बनाया, कुछ लोग कह रहे थे मटेरियल ने बनाया। बस दो ही तरीके के लोगों का व्यू पॉइंट था, लेकिन जो थेल्स आए, थेल्स महाराज आ गए, वो अलग ही दुनिया पलट दी। उन्होंने बोला नहीं 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 वो मटेरियल से बना है ना, वो गॉड से बना है, दुनिया तो पानी से बनी है। ठीक है, तो जो अलग टाइप के लोग होते हैं उनको लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो एनटीए वाले भी कभी कभी ध्यान दे देते हैं इनके ऊपर। तो थेल्स ने दिया, फिर उसके बाद एक लोग आए बेकन, बेकन ठीक है, बेकन, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो दुनिया है वो किससे बनी है? वो प्रकृति से बनी है। ये अपना अलग ही लेके चले आए कि दुनिया किससे बनी है, वो प्रकृति से बनी है, प्रकृति के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं, जो चीज भी है मनुष्य है, जी पानी है, पहाड़ है, पौधा है, जो कुछ भी है वो प्रकृति से ही बना है, और बाकी उसके अलावा कुछ जो भी मटेरियल भी चीजें हैं, मतलब हमारे जो शरीर भी बनी है वो भी किससे बनी है? वो प्रकृति से बनी है, मतलब वो मटेरियल भी जो है वो प्रकृति है, गॉड भी है वो भी प्रकृति का ही देन है। मतलब इन्होंने सिर्फ सर्वे सर्वा प्रकृति को माना, ये बहुत बड़े क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, तो दो चीज इनका आप लोग याद करके रखिएगा। अब हम लोग का क्या हो गया, और हम लोग किसके बारे में पढ़ डाले इसका, जो हम लोग मेटाफिजिक्स समझ गए, समझ गए ना, मेटाफिजिक्स समझ गए। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे, इपिस्टिमोलॉजी पढ़ समझेंगे। थोड़ा इसको साफ करूं, ओके। हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े इसका, मेटाफिजिक्स पढ़ लिए, मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ लिए। जो वर्ल्ड है वो दो तरीके का बना, वो ईश्वर ने बनाया है और किसने बनाया, मटेरियल ने बनाया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक जो वर्ड है कि आइडियलिज्म किसको मानता है, मतलब कि गॉड को मानता है, नेचुरलिज्म किसको मानता है, मतलब कि नेचर को मानता है, रियलिज्म किसको मानता है, ऑब्जेक्ट को मानता है, प्रैग्मेटिज्म किसको मानता है, ऑब्जेक्टिविटी को मानता है, कि ऑब्जेक्ट मतलब कि उसकी उपयोगी, प्रैग्मेटिज्म का मतलब, सॉरी प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होगा, यूटिलिटी को मानता है, और रियलिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को मानता है, और क्या होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, वो किसको मानता है, वो मानता है कि मनुष्य के लिए ही सब कुछ, जो जो चीज मनुष्य का है वो सही है, जो चीज उसके लिए उपयोगी नहीं वो चीज बेकार है, गलत है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, कहना किसका सही है, अब पता नहीं, सबकी देखिए सबका अपना अपना जो उसमें होता है सोचने समझने की क्षमता है, वो कहते हैं विचारधारा उसको हिंदी में, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो जो कुछ भी है पता नहीं, अब जहां तक मुझे लगता है कि सब तो नेचर का ही बना है, हाँ जितनी भी चीजें हैं वो नेचुरली चीजें हैं, और मेरा जो मानना है कि भगवान वगैरह ऐसा कुछ होते नहीं है, जो है अपना करना है, जो मेरा मानना है, और बाकी लोगों ने सब अलग अलग किया है, तो हम लोग को पढ़ना सब है, सबका सुनना है, सबका पढ़ना है हम लोग को। बाकी सब लोग अभी हम इसके पहले बताए, अभी कल की क्लास में बताए हैं ना कि हमको क्या है, हमारे संविधान में लिखा है कि हमको फ्रीडम मिली है,
हमको अपनी स्वतंत्रता है कि हम अपनी बातें हर जगह रह सकते हैं, ठीक है, सबको रख सकते हैं, जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, मेटाफिजिक्स हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे इपिस्टिमोलॉजी। ओके, इपिस्टिमोलॉजी, इपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? ज्ञान मीमांसा। हम लोग ज्ञान मीमांसा जो है, तो इसमें ज्ञान की बात करेंगे हम लोग, इसमें ज्ञान खोजते हैं हम लोग। तो इसमें खोजेंगे कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो बोलती है कि जो हर चीज है, जो हर चीज का ज्ञान है वो दो चीज पे बना हुआ है। पहला किस पे बना है? बौद्धिक चीजों पे बना हुआ है, ठीक है, इंटेली जेंसी पे बना हुआ। और दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंट पे है, एक्सपेरिमेंट पे बना हुआ है। हाँ, गुड मॉर्निंग। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा कि बौद्धिक, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारा है, एक्सपेरिमेंट करके, मतलब कुछ चीजें करके जो हम चीजें सीख रहे हैं वो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, तो इपिस्टिमोलॉजी का ये है कि मतलब अगर कोई चीजें हम जान रहे हैं, तो वो कुछ लोग बोलते हैं, मतलब जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, कुछ बोलते हैं कि चीजें हम बौद्धिक तरीके, मतलब सोच समझ के किसी चीजों के बारे में जाना जा सकता है। और कुछ जो फिलोसफर हैं, कुछ बोलते हैं कि किसी चीज को जानना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि एनटीए से ले लीजिए कि कुछ चीजों के लिए बौद्धिक चीजें, मतलब हमको सिलेबस कवर करना है तो रट्टा मारना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो हमारी बौद्धिक चीजें हो गई। कुछ लोग क्या है, एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब बार 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 हमें क्या, हमें एग्जाम देना है, उस पे उससे समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, पीवाईक्यूज कैसे होंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना है उसमें, ठीक है। सिर्फ ये क्या है, ये व्यवहारिक तौर में मैंने बताया। इसको किसने माना? आइडियलिज्म जो है वो माना था कि इंटेलिजेंसी बौद्धिक होती है, और दो लोगों ने माना था कि जो मतलब जो इपिस्टेमोलॉजी है इसकी वो क्या है, एक्सपेरिमेंट पे। किसने माना? प्रैग्मेटिज्म ने माना, ठीक है, और दूसरा किसने माना? नेचुरलिज्म ने माना, इन दोनों लोगों ने माना था। इन्होंने माना कि जो भी चीजें हमको प्राप्त होती है वो एक्सपेरिमेंट से होती हैं, और इन्होंने माना, आइडियलिज्म ने माना कि जो भी चीजें हमको प्राप्त होती है, जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है, वो हमको इंटेलिजेंसी से, मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता है, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बौद्धिक चीजों से। दो हो गया हम लोग का, इपिस्टिमोलॉजी हो गया, और हम लोग का क्या, मेटाफिजिक्स होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोलॉजी, मतलब कि इसका क्या होता है, मूल्य मीमांसा, मूल्यों की बात होगी इसमें, मूल्यों की बात होगी। तो इसमें किसकी चीजों की बात होगी? इसमें भी तीन चीजों की बात होगी। पहला किसकी बात होगी? पहला इसमें होगा लॉजिक की बात होगी। लॉजिक का मतलब क्या हो गया? तर्क की बात क्या होगी। और दूसरा क्या हो गया इसमें? इथिक्स की बात होगी, इथिक्स। तीसरा क्या हो जाएगा? एथिक्स की बात होगी। इथिक्स, एथिक्स हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा बताइए आप लोग, तो इथिक्स एथिक्स में क्या अंतर है? कितनी बार, दो तीन बार हम पढ़ा चुके हैं। इसका होता है तर्क, और इथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। ओके, और एथिक्स का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। बताइए आप लोग। कौन बताएगा? आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए। कीड़ा परेशान करती है आपसे।
बताएगा कोई? चलिए मैं ही बताती हूँ, एकदम नॉर्मल सा हिंदी भी लिख दिया हमने इसलिए, ठीक है। एक्सियोलॉजी का मतलब होता है कि मूल्य की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले कोई भी चीज़ है उसमें क्या करते हैं, तार्किक तरीके से उस चीज़ को सोचते हैं, ओके। मतलब कि वर्ल्ड किसने बनाया, तो हम तार्किक तरीके से सोच रहे हैं ना, इसमें कोई बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा सबका, कुछ ना कुछ तो लॉजिक दिखा ही होगा ना उसको कि ये मतलब कि गॉड ने बनाया। किसी का कोई अलग लॉजिक दिखा होगा उसमें कि नहीं, गॉड नहीं बनाया, ये मटेरियल से बना। तो कोई अलग से आ गया कि पानी से बना, कोई अलग से बोल रहा नहीं प्रकृति से बना है। तो सबका कुछ ना कुछ लॉजिक है, मतलब कोई ना कोई तर्क, मतलब देखने का नजरिया, तार्किक तरीके से देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो उन्होंने देखा तो कुछ तो ये देखा होगा ना, तो पता चला। तो यही हो गया कि लॉजिक मतलब तार्किक। एक्सियोलॉजी का मतलब क्या होगा, नैतिकता। इथिक्स मतलब कुछ चीजें करना कभी कभी नैतिक होता है और कुछ चीजें करना कभी कभी अनैतिक होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए चोरी करना क्या है, चोरी करना क्या है, अनैतिक चीजें है ना। आप बोलेंगे चोरी करना अनैतिक चीजें, पर कभी कभी वो नैतिक चीज भी हो सकती है। मान लीजिए किसी माँ का बच्चा भूखा हो और उसके पास पैसे ना हो, और वो किसी दुकान पे, चाय वाले की दुकान पे गई, उसकी दुकान से दूध चोरी कर ले या कुछ और चोरी कर ले, वो अनैतिक काम है, लेकिन उस माँ और बच्चे के लिए तो वो नैतिक हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो इथिक्स है, इथिक्स में क्या है, नैतिकता आती। तो कभी कभी कोई काम नैतिक होता है कि किसी कंडीशन में, और किसी कंडीशन में वो काम अनैतिक भी होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नैतिकता, मतलब कि इथिक्स के बारे में बोलते हैं। और लास्ट में क्या हो गया, एथिक्स। इथिक्स, एथिक्स, एथिक्स का मतलब है सौंदर्य, मतलब किसी चीज को देखने का कि आपका नजरिया क्या, मतलब होता है ना कि मतलब ब्यूटी क्या है, किस ब्यूटी से उस चीज को देखेगा। आप प्रकृति को देख रहे हैं तो प्रकृति की जो ब्यूटी है वो किस तरीके से देख रहे हैं, तो सबका उसमें नजरिया अलग अलग होता है। किसी को क्या, किसी को कोई पहाड़ है तो मतलब हरा भरा है तो बहुत सुंदर लग रहा है उसके लिए, वो देखने का उसका नजरिया अलग है कि हाँ हरा भरा पहाड़ है, मतलब अलग तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई पेड़ है, अगर पतझड़ का पेड़ है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा पतझड़ का जो पेड़ है, वो बस ऐसे उसको देखे कि हाँ पत्तियां नहीं है इसमें, बेकार हो चुका। लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत स्पेशली पसंद है पतझड़ का जो पेड़ है जिस पेड़ में पत्ते ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता, पता नहीं क्यों अच्छा फील होता है उसको देख के। तो सबका देखने का नजरिया उसके, मतलब किस तरीके से आप किसी चीज का जो सौंदर्य है किस तरीके से आप ले रहे हैं। ओके मैम, तो ये हो गया, मतलब कि क्या हुआ, जैसे किसी को सलमान खान बहुत अच्छा लगता है लड़कियों में, ज्यादातर फेवरेट होता है ना, और किसी किसी को नहीं, किसी किसी को सौरी खान पसंद है। तो ये हो गया उसका सौंदर्य, किसी को सलमान खान नहीं अच्छा लगा, मोटा है, ऐसा है, वैसा है, उसकी आंखें मेढक की तरह है, हाँ लंबी लंबी आंखें निकली हुई, तो नहीं पसंद आया किसी किसी को। तो ये हमारा हो गया कि सौंदर्य, किसी का चीज हम कैसे देख रहे हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एडलिज्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, था एक जो उसका मेन जो व्यू था उसको हम आपको लोग को दे चुके हैं। एडलिज्म का मतलब ये किसको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, आइडिया के बारे में। हाँ एडलिज्म डिराइव फ्रॉम आइडियल एंड आइडिया, आइडिया से ये आया है, ठीक। एडलिज्म मतलब दैट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज थॉट्स माइंड। हाँ जो आइडिया के कैसे कैसे हम लोग को आते हैं आइडियाज, मतलब हम लोग को थॉट्स हैं जो माइंड है वही हमारे आइडियाज हैं, ओके। इन्हीं सब की बातें जो है हम आइडियलिज्म में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला पढ़ेंगे नेचुरलिज्म। ये सब के बारे में एक बार हम आपको बता चुके हैं। नेचुरलिज्म का मतलब प्रकृतिवाद, ये किससे आया, ये क्या होता है, अपोज करता है, ये आइडियलिज्म को हमेशा अपोज करता है, मतलब उसके एंटी खड़ा हो जाता है ये। इसका मतलब है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, फिजिकल नॉट स्पिरिचुअल, मतलब जो चीजें दिख रही हैं, फिजिकल मतलब कि नेचर क्या, नेचर की जो सामने चीजें दिख रही हैं बस वही है, वही नेचुरल चीजें ही, वही मतलब सत्य है। स्पिरिचुअल मतलब भगवान टाइप की कोई चीजें नहीं होती है, केवल गॉड को आइडियलिज्म ही मानता है और बाकी कोई नहीं मानता है। प्रेग्मेटिज्म, प्रेग्मेटिज्म का मतलब क्या हो गया, कि यूटिलिटी में विश्वास करता है। ये किससे आया, प्रेग्मा वर्ड से प्रेगमेटिज्म बना। इसका मतलब क्या होता है, एक्शन।
प्रैक्टिकल, ये किससे बात करता है, प्रैक्टिकल रिजल्ट पे बात करता है कि मतलब कोई चीज है तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो काम करेगा कि नहीं, उसका कुछ काम है कि नहीं, कि प्रैक्टिकल वर्क क्या है उसका, अगर नहीं है तो फिर वो बेकार है, अगर उसकी कोई भी मतलब उपयोगिता है तो वो सही है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। और क्या है रियलिज्म, रियलिज्म किसको मानता है, ऑब्जेक्ट को मानता है, जो दिख रहा है वही सत्य है, बाकी उसके अंदर क्या क्या चीजें उससे मतलब नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड एज रियल, ये फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक वर्ल्ड है उसको मानता है रियल, एंड दिस रियल मतलब कि जो चीज रियल चीजें दिख रही हैं उसी को मानता है। इसमें भी क्या है प्रैक्टिकल वर्क का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो चीजें रियल चीज को मानेंगी तो उसमें प्रैक्टिकल चीजों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे, जो चीजें गॉड को मान रही हैं वो अलग, उसमें स्पिरिचुअल पावर जो है उसको ज्यादा मतलब महत्व दिया जाएगा। अब हम लोग एक एक करके इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए ये क्या है, ये इसमें एक तरह से कहिए कि मतलब कौन कौन लोग नेचुरलिज्म को मानते हैं, कौन प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं, कौन आइडियलिज्म को मानते हैं, कौन कौन रियलिज्म को मानते हैं। ठीक है, इसमें जो एक आता है एग्जिस्टेंस आता है उसको हम लोग अलग से थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि उसका इन चारों के साथ जो कंपेयर करके पढ़ना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग चीज है। उसमें उसमें क्या, उसमें कुछ है ही नहीं, अलग क्या है, कुछ है ही नहीं उसमें, उसमें बस ये ह्यूमन की बात करता है और कुछ नहीं, जो चीज ह्यूमन के लिए जरूरी है वो अच्छी है, जो चीज नहीं है उसकी कोई अस्तित्व तो नहीं है, बस यही बोलता है और बाकी उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और फिर हम लोग आगे में बात भी कर लेंगे उसकी। ओके, पहले हम लोग चारों को लेके अभी आगे चलेंगे। इसमें क्या है नेचुरलिज्म में क्या है, इतने लोगों ने नेचुरलिज्म को फॉलो किया और इतने लोगों ने इसको, और भी लोग थे ऐसा नहीं है, पर इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं जिसका कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग कौन कौन देख लेंगे, डेमोक्रेट है, अरिस्टोल है, हक्सले हैं, डार्विन है, इरविन है, और इसको हम आप लोग आपको भेज दिए हैं, आप लोग ऐसे अपना देख लीजिए, स्पेंसर, रूसो, बैकन और हॉब्स। ठीक है, रूसो इसमें है, कहाँ रूसो, हाँ ये रूसो ही इसमें सबसे बड़े प्रकृतिवादी है। रूसो ने बोले है ना कि मतलब कि जो बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए वो चहारदीवारी में नहीं देनी चाहिए, उसको नेचर में फ्री छोड़ दो और वो नेचर से सीखेगा। एक ऐसा कार्टून भी है, मेरा बेटा बहुत देखता है उसको, मोगली है ना, मोगली में दिखाता है ना, जो एक एक उसमें बच्चा रहता है वो जंगल में पूरा घूमता रहता है, हाँ, और वो जंगल के ही साथ रहता है, मतलब जंगल के जो जानवर उन्हीं के साथ रहता है, और उनका उस पर थोड़ा सा इफेक्ट भी पड़ता है इसमें, इस चीजों का। तो वही है कि मतलब जो चीज वो सीख रहा है वो प्रकृति से सीख रहा है, कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, बस इसलिए बताया, और कोई बात नहीं है। और ये भी तो थे, अभी हम लोग बैकन के बारे में पढ़े हैं, ये क्या थे, ये प्रकृतिवादी थे, बताया दुनिया किससे बनी, प्रकृति से मिलकर बनी है। और प्रैग्मेटिज्म का देखिए क्या है, फ्रीज़ है, डब्ल्यू जेम्स है, डीवे हैं, जॉन डीवी, अरे डीवी जो है, तो इनका प्रैग्मेटिज्म का सबसे ज्यादा इफेक्ट इनका उनको लेके चलना है, जॉन डीवी को, किलपैट्रिक और ड्रसेल। अब इसमें क्या आइडलिज्म में क्या है, सुकरात है, हाँ ढेर सारे लोग हैं, प्लेटो, कांट, हेगल, गांधी, हिंदी, हाँ मतलब हम लोग के यहाँ भी लोग हैं, इंडियन फिलोसफी के भी 3 लोग हैं जो आइडलिज्म को मानते हैं, घोष और विवेकानंद और गांधी जी, ये लोग आइडियलिज्म को मानते हैं। और रियलिज्म में क्या है, अरिस्टोल है, इक्विनास है, और लोक है, अनकार मार्क्स है। अब हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े हैं एक एक मतलब ऐसे आउटलाइन पढ़े हैं, और इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नेचुरलिज्म की मेटाफिजिक्स क्या है, नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, मेटाफिजिक्स तो जो मतलब नेचुरलिज्म वो नेचर की बात करता है, बस साफ बात है, तो जो नेचर है वही अल्टीमेट रियलिटी है, मतलब वही सर्वे सर्वा है, बस नेचर ही है वही सत्य, और बाकी कोई सत्य नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी और कोई नहीं है। और इसमें क्या बात होगी, इसकी इपिस्टेमोलॉजी में क्या बात होगी कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज, नेचुरलिज्म जो कहता है जो ज्ञान देता है हमको, वो ये ज्ञान देता है, इपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान की बात हो रही है, अच्छा लिख देते हैं हम चीजें ज्यादा अच्छे से होनी है, यहाँ ज्ञान की बात होगी, यहाँ मूल्य की बात होगी, यहाँ किसकी बात होगी, तत्व की, मतलब जो मेन तत्व है, हर हर फिलोसफर का, हर हर फिलोसफी का जो मेन तत्व है उसकी बात होगी।
इसे इसका मेन तत्व क्या है? प्रकृति। प्रैग्मेटिज्म का मेन मेन तत्व क्या है? यूटिलिटी। आइडियलिज्म का मेन तत्व क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। रियलिज्म का क्या हो गया? जो गॉड को माने, ठीक है, वर्ल्ड को माने। तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग। नेचुरलिज्म क्या है? नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो नेचर है वही सत्य है और कुछ नहीं है। और इसकी इपिस्टेमोलॉजी हो जाएगी, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। जो सेंसेस है हमारे, सेंसेस क्या है? वही जो बताए ना, पांच कर्मेंद्रियां हैं, वही हमारे नॉलेज का गेट है। मतलब इन्हीं पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा ही, सॉरी, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम किसी भी कोई भी नॉलेज हम लेते हैं। नो बिलीव इन वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज में उतना महत्व नहीं देता है नेचुरलिज्म। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म की। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? रियलिटी इज स्टिल इन प्रोसेस, जो रियलिटी है वो अभी प्रोसेस में है। मतलब कि हर चीज की जो उपयोगिता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करके मतलब बनी रहती है। पेन का काम क्या है? पेन का काम लिखना है, पर ठीक है, और भी दो चार काम हो सकते हैं। मान लीजिए उसको स्टैंड बना कर रखी है, उसका कुछ और काम कर लिया। अभी आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए भी हम पेन का यूज किए, तो क्या है ये जो इसकी रियलिटी है वो प्रोसेस में चलती रहती है। नॉलेज इज एक्सपीरियंस बेस्ड, उसका जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस का बेस्ड होता है। मतलब किसी चीज की उपयोगिता कैसे पता चलेगी? जब तक हम कोई चीज उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो उसका हमसे नॉलेज कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो यही हो गया, जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ये ऐसा बोलता है। वैल्यूज आर बींग चेंज, इसके अनुसार, प्रैग्मेटिज्म के अनुसार है, जो हमारी वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है। मतलब हम इसको हिंदी में तो आपको बता रहे हैं ना कि क्या है ना, कि जो कंपेयर करके चीजें हैं वो यहाँ ज्यादा अच्छी मिलती हैं, तो इस वजह से अच्छी मिल गई थी कंपेयर करके, तो मैं आपको बता दी थी। हाँ, और जहां तक हिंदी वाला है, मैं पीपीटी दूंगी तो उसमें हिंदी भी आपको दे दूंगी, पर ये चीजें ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएंगे। हाँ वही कह रहे हैं मीना, अभी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बार बात बोली हूँ कि आप लोग नेट जीआरएफ क्यों कर रहे हो, ये बताओ क्यों कर रहे हो? सिर्फ पास करने के लिए कर रहे हो? आपको आगे पीएचडी करना है, आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हमें तो यही लगता है कि नेट जीआरएफ इसीलिए होता है, और तो कोई काम है नहीं। लेकिन आप दुनिया किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लो, बिना इंग्लिश के पीएचडी आपकी कभी नहीं कम्प्लीट होगी। अगर आप एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही पीएचडी करना पड़ेगा। आज आपका ठीक है, आपका जून में आपका एग्जाम होगा, और मान लीजिए कि जून में हुआ, जुलाई अगस्त में आपका हो गया, आपका नेट क्लियर हो गया। तो जो लोग नेट वाले रहते हैं, जैसे पीएचडी का दो बार फॉर्म आता है, एक बार आता है दिसंबर में आता है, और एक बार आता है जुलाई में आता है। तो जो दिसंबर वाला रहता है वो वाला, उसमें ज्यादातर बच्चे जो होते हैं नेट वाले होते हैं। एमफिल तो खत्म हो गया, एमफिल वाले बच्चे भी पढ़ते थे नेट जरा पढ़ लेते। अगर ठीक है, अगर जो ये वाला फॉर्म आने वाला है, आगे वाला जो फॉर्म आने वाला है, उसमें आप भरने के लिए तैयार है पीएचडी का फॉर्म, ठीक है, अगर आपका नेट जरा हो जाता, नहीं होगा तो भी आपका एडमिशन कहीं कहीं हो जाएगा। तो उसमें आप जाएंगे, आपको जाते ही आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हिंदी में पीपीटी बना के उसको बताएंगे, या आपको टीचर बताएंगे हिंदी में? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो अगर यहीं पे अगर आप मुझसे ही, देखिए मैं दोनों बता रही हूँ, मैं आपको हिंदी बता रही हूँ, इंग्लिश बता रही, लेकिन थोड़ा सा आप हिंदी से थोड़ा सा इंग्लिश पर टर्न हो जाइए, कि आपके लिए अच्छा है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बाकी पीपीटी तो मैं हिंदी में दे ही दूंगी, लेकिन चीजें क्या है ना, कि ये सब चीजें जो होती है बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको इतना डीपली में एमए में एमएड में सब में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो ये सब चीजें ना जो मिलती भी है ना, वो बहुत हाई लेवल की मिलती है, और हाई लेवल की चीजें हमेशा इंग्लिश में ही रहती हैं। उसको गूगल में जाकर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, वो मैं करके आपको दे देती हूँ। लेकिन की चीजें क्या होती, कभी कभी आगे पीछे हो जाती, कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग बदल जाती है, तो ये भी चीजें होती हैं। तो अगर आप इंग्लिश का मैं समझा रही हूँ हिंदी में, लेकिन मेटाफिजिक्स को थोड़ा दिमाग में डाल के तत्व से जोड़ लिए, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगी, हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, कोई भी कोई प्रोफेशन नहीं बताएगा। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो मतलब हजारों लोग पीएचडी कर रहे हैं ना, उठना बैठना चलना हर मेरा मतलब पीएचडी वाला है, मेरे हस्बैंड पीएचडी कराते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह हर चीज ये सब चीजों से वाकिफ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बाकी अगर ज्यादा हिंदी है तो हिंदी में तो आपको दूंगी, तो फिर आप आगे समझिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का
प्रैग्मेटिज्म की जो बात कर रहे हैं वो क्या है, यूटिलिटी की बात होगी। हाँ, तो रियलिटी इज ये तो बता चुकी हूँ अभी मैं, रियलिटी इज स्टिल इन द प्रोसेस। ओके, नॉलेज क्या होता है इसमें, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, और जो वैल्यूज होती है वो चेंजेबल होती है। हाँ, यही मैं बता रही थी, वैल्यूज चेंजेबल होती है। आज आपकी वैल्यूज क्या है, आज आपका मूल्य क्या है कि आपको नेट 11 निकालना है, लेकिन अगर एक बार आपका नेट 11 हो गया तो कभी आप पीछे मुड़ के देखेंगे, नेट हो गया तो ठीक है फिर से पढ़ाई कर सकते हैं 11 पे, लेकिन आप अब 11 हो गए तो पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमें फिर से 11 करना, मैम की क्लास फिर से ज्वाइन करनी है, कभी देखेंगे मेरी क्लास आएगी भी ना तो भी हटा देंगे आप लोग, कि अब तो मेरा हो गया, क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी, कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो मूल्य क्या होता है, चेंज होते रहते, जो चीजें आपके वजह से, ये सब फिलोसफी फिलोसफी वैसे कोर्स वर्क में इतना नहीं होता है, उसमें रिसर्च ज्यादा पढ़ना पड़ता है कोर्स वर्क में। तो मान लीजिए जो फिलॉसफी है उसमें एकदम नहीं, आपके कोर्स पर तो कभी नहीं देखेंगे आप इसको, तो आपके जो वैल्यूज हैं, जो आपके मूल्य हैं, वो चेंज हो गए। आज आपके लिए बहुत जरूरी है फिलॉसफी दोनों पढ़ना, लेकिन आगे चल के आपके लिए फिलॉसफी पढ़ना जरूरी ही नहीं है। अगर आप इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो जरूरी हुआ, तो अगर आप कोर्स वर्क कर रहे हैं तो नहीं जरूरी है। फिर आप उस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, करने लगे, मान लीजिए फिलॉसफी को फील्ड में रिसर्च करना है तो आपके लिए फिर जरूरी हो गया। तो वैल्यूज क्या है, चेंज होती रहती है। ये हो गया प्रैग्मेटिज्म, ये मानता है। ये सब चीजें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइडियलिज्म की बात करते हैं। आइडियलिज्म किसको मानता है, आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, आदर्शवाद, आदर्शों को मानता है। ये क्या बोल रहा है कि माइंड आइडिया एंड स्पिरिट आर ट्रूथ, इनके अनुसार क्या है, माइंड और आइडिया और स्पिरिट, ये तीनों, यही तीनों चीजें सत्य होती हैं। माइंड इज टीजर ऑफ नॉलेज, जो हमारा माइंड है वो हमारे ज्ञान का एक तरीके से टीजर है, मतलब कि हम कोई भी जो नॉलेज है उसका माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और माइंड का नॉलेज पे इफेक्ट पड़ता है, वो उसका टीजर है। मतलब कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम आपको जो चीजें बता रहे हैं, बताने से पहले वो मेरी माइंड में आई है तभी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब उसके 2-4 सेकंड पहले वो चीज मेरे बाहर, मतलब मेरी माइंड में आ चुकी है। तो मेरी जो लैंग्वेज है, मतलब सॉरी मेरा जो ज्ञान है वो क्या है, वो मेरे माइंड का वो टीजर है, आपको दिख रहा है, उसमें पिक्चर अभी बाकी है, सुने है ना, वही हाल है। जब मैं बोल दी तो पिक्चर क्लियर हो गई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा नॉलेज कहाँ तक है। वैल्यूज आर इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है, आंतरिक, जो चीजें टफ होती है वो मैं खुद बता देती हूँ आपको। अब बताइए, वैल्यूज तो समझ गए, वैल्यूज का मतलब सबको पता है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका कितना मूल्य ना, घर में कोई बात है कितनी वैल्यू है तुम्हारी, हो जाता है ना ये सब, तुम सब नॉर्मल चीजें इसमें बताइए, कोई भी चीज है। रियलिटी का मतलब आपको नहीं पता है, प्रोसेस का मतलब नहीं, तो क्या चीज नहीं पता, एकदम ईजी इसमें मीनिंग सब दी गई है, सब चीज पता है, बस आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, हिम्मत बांधिए, तो हो जाएगा। पता है हम भी हिंदी मीडियम स्कूल है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई की हूँ, और बीएड भी मैंने उसमें पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, लेकिन जो मैंने एमएड किया है वो इंग्लिश में किया, तो हिंदी से इंग्लिश में आने में ना मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, वो नहीं चाहती थी आपको, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ पढ़ी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो मुझे कभी कोई किसी ने नहीं बताया हिंदी में, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ हूँ वहाँ सब लोग इंग्लिश, यहाँ की लैंग्वेज में मिजोरम में रहती, तो मिजो लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दो ही लैंग्वेज चलती है, जो लोग जो है भी वहाँ वो लोग या तो मिजो जानते हैं या वो इंग्लिश जानते हैं, तो मुझे वो कभी बताए नहीं, तो मुझे हर चीज़ घर आके, मुझे हर चीज़ उसको यूट्यूब पर देख के समझना पड़ता, बहुत ही दिक्कत हुई थी। ये मैं नहीं चाहती कि आपको दिक्कत हो, मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ लीजिए, नहीं तो बेटा कोई नहीं बताएगा इतना हिंदी इंग्लिश, कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे से। हाँ, कोचिंग वाले मेहनत करते हैं, हर कोचिंग वाले करते हैं, ये मैं सबकी इस पर मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ, सब कोचिंग वाले बताएंगे, लेकिन हाँ कॉलेज में नहीं बताएंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। वैल्यूज क्या है, इटर्नल है, जो वैल्यूज होती है इनके कहने का मतलब, आइडियलिज्म क्या है, हमारी आंतरिक चीजों से हमारी वैल्यूज आती हैं। रियलिज्म क्या है, रियलिज्म में किसकी बात होती है, मतलब कि जो चीज ऑब्जेक्ट है उसकी बात होती है, रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ द नेचर, जो हमारा रियल वर्ल्ड है यही क्या है, यही जो क्या है, नेचर का भी वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ नेचर, संसार का जो प्रकृति, जो प्राकृतिक संसार है वही क्या है, एक तरीके से मतलब कि जो दिख रहा है वही, जो जो आपको ऑब्जेक्ट वही सब मिला के
रियल, मतलब कि जो सामने आपको नेचर दिख रही है, पेड़ पौधे हर चीज जो दिख रहे हैं, वही एक तरीके से रियल, वही एक रियल दुनिया है। इसका मतलब ये हो गया। इसमें इसकी इपिस्टेमोलॉजी बोलती है कि नॉलेज ऑब्टेन थ्रू सेंस इज रियल, मतलब जो नॉलेज हम सेंसेस के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, वही रियल है। और इसका क्या हो गया, वैल्यूज आर परमानेंट एंड फंडामेंटल। जो वैल्यूज होती है, इन्होंने बोला वैल्यूज क्या है, इंटरनल, इन्होंने बोला चेंजेबल है, इन्होंने बोला वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, नो बिलीव इन वैल्यूज, विश्वास ही नहीं करते हैं तो। और इन्होंने बोला, रियलिज्म ने बोल रहा है कि वैल्यूज आर परमानेंट, मतलब हमारे अंदर जो मतलब नैतिकता अगर हमारे अंदर आ गई, बच्चे के अंदर नैतिकता हमने डाल दिया, तो वो परमानेंट हो गई। एंड फंडामेंटल वैल्यूज डोंट, जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज है, मतलब कि जो हम बचपन में बच्चे को जो वैल्यूज सिखाते थे, मतलब पैर छूना है, नमस्ते करना है, धीरे बोलना है, जो भी वैल्यूज हम सिखाते हैं, हाँ, अपने देश का सम्मान करना, अपने अलग बल अलग 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 वाले जो लोग हैं उनका सम्मान करना है, तो मतलब उसके अंदर क्या होता है, फंडामेंटल वैल्यूज हम डाल दिया। ये मतलब हर कोई पेरेंट्स को चाहता है हमारे बच्चे में वैल्यूज जो है अच्छे से डेवलप, ये सब कोई करता है, बच्चों का काम है कितना सीख पाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पेरेंट्स सब चाहते हैं कि वही है जो फंडामेंटल वैल्यूज हम बता देते हैं बच्चों को, वही उसको जिंदगी भर चलती है और वो परमानेंट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या चीजें हैं। चलिए, जो नेचुरलिज्म है, नेचर अलोन इज रियलिटी एंड इट इज द रेडीमेड, जो नेचर है बस वही सिर्फ सब कुछ है और ये रेडीमेड है, मतलब कि बनी बनाई हुई है, इसमें कुछ बनाना नहीं है। अभी बताइए, जो जिस भी चीज की डिस्कवरी हो रही है, क्या वो खोजी गई है? ठीक है, एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे मतलब रेडियम की खोज हो गई, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज कर दी, तो वो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज नहीं की है, वो प्रकृति में ऑलरेडी थी, बस उन्होंने प्रकृति से खोज की है उस चीज का, वो चीज तो था ही, तभी तो उन्होंने खोजा। उसका यही मतलब है कि जो नेचर है वही एक रियलिटी है, वही एक सत्य है, और सब जो चीजें हैं वो रेडीमेड है, मतलब पहले से विद्यमान है उसमें नेचर में, उनका कहने का ये मतलब है। अब हम लोग देखेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का क्या होगा, रियलिटी लाइज इन प्रोसेस, जो रियलिटी है वो किसमें, प्रोसेस में है, इट इज स्टिल इन प्रोसेस और नॉट रेडीमेड, और ये क्या है, ये एक प्रोसेस में है रियलिटी, और इसमें क्या होता है कि ये रेडीमेड नहीं है, मतलब कि जो रियलिटी है वो बनती रहती है, मतलब कोई भी चीज है उसकी जो उपयोगिता आपकी हमेशा कुछ ना कुछ बनती रहती है, ये बनी बनाई हुई नहीं है, नॉट ए रेडीमेड। ओके, अब हम लोग देखेंगे आइडियलिज्म। माइंड एंड थॉट्स आर रियल, इन्होंने माना है कि केवल दिमाग पर जो सोच रहे हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता है वही रियल और बाकी कुछ नहीं। और रियलिज्म का मतलब क्या हो गया, एवरी रियलिटी इज प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेशन, कोई भी रियलिटी अगर कोई भी चीजें सत्य है तो वो कैसे प्रूव हो सकती है, ऑब्जर्वेशन मतलब देख के, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करके, महसूस करके उस चीज को, हाँ, और एक्सपेरिमेंट मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क करके, एंड साइंटिफिक रीजनिंग, और हम लोग साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीजों को देख सकते हैं। आगे समझ में, ये हो गया रियलिज्म, ऐसा बोलता है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं, मतलब नेचुरलिज्म के क्या प्रिंसिपल है, प्रैग्मेटिज्म के क्या प्रिंसिपल है, आइडियलिज्म के क्या प्रिंसिपल है, और रियलिज्म के बाद क्या प्रिंसिपल है, ये चार तरीका के प्रिंसिपल दिए गए हैं, ये दिमाग में रखिएगा। द आउटलुक इज मैटेरियलिस्टिक, मतलब कि जो नेचर है, नेचुरलिज्म में आप नेचर ध्यान के रखिए, ध्यान में रख के आप सोचिए कि जो आउटलुक है वो मटेरियल है, मतलब मटेरियल चीजों से मिलकर बना है, पेड़ पौधे हैं कैसे बनाए है? जल है उसमें, आकाश है, धरती है, तो मटेरियल चीजों से मिलकर बना है। और जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या है, समाज का आउटलुक है, और इसमें किसकी बात हुई है, ये स्पिरिचुअल, हमेशा आप अभी पहले ही पढ़े हैं कि नेचुरलिज्म को कौन अपोज करता है, आइडलिज्म, आइडलिज्म को कौन अपोज करता है, नेचुरलिज्म, ये बोला मेटल का है, मेटेरियल से मिलकर बना है, और ये बोल दिया कि नहीं ये तो गॉड से मिलकर बना है, स्पिरिचुअल है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी अगर याद रहे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, अगर एक भी चीज याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर चार ऑप्शन दिया तो आपको याद है कि ये दोनों एक दूसरे में अपोज करते हो तो भी आप सही लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस इज सिग्निफिकेंट टू फार्मुलेट कॉन्सेप्ट, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कॉन्सेप्ट का ही, उसी पे ध्यान दिया गया, ठीक है, मतलब कि किसी कॉन्सेप्ट को हमको सोचने समझने के लिए हमारी बौद्धिक क्षमता ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती, मतलब ये सब तरह से बौद्धिक चीजों पे ध्यान दिए, इन्होंने भगवान के दिया, इन्होंने सोशल के दिया, इन्होंने
मटेरियल चीजों पे दिया है, मटेरियल चीजों पे दिया है। इन्होंने क्या बोला है, एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज एनी मटेरियल, मतलब कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो जिस उस पे जो भी प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है, वो नेचर का पड़ा है। एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रैक्टिकली, जो हमारे जो ह्यूमन की जिंदगी मतलब मनुष्य की जिंदगी उस पर किसका प्रभाव पड़ा है, प्रैक्टिकल चीजों का प्रभाव पड़ा। इन्होंने माना है कि लाइफ पे किसका प्रभाव पड़ा है, ह्यूमन की लाइफ पे स्पिरिचुअल चीजों का प्रभाव पड़ा है, और इन्होंने माना है कि लाइफ पे किसका प्रभाव पड़ा है, एक्सपीरियंस वाली चीजों का पड़ा है। ठीक है, हो गया समझ में, आ गया इसमें ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन की लाइफ इससे मिलकर बनी है, जो चीजें हैं एनिमेटली है, मतलब कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उस पे उसका प्रभाव है, इसे प्रैक्टिकल का प्रभाव है, इस पे स्पिरिचुअल का प्रभाव, और इस पे एक्सपीरियंस का प्रभाव है। अल्टीमेट रियलिटी इज फिजिकल, जो जो मतलब जो जो सही सत्य है, जो अल्टीमेट मतलब रियलिटी है वो क्या है, फिजिकल चीजें हैं, और इसमें क्या है, यूटिलिटी उपयोगिता वाली चीजें हैं वही सत्य है। इसमें फिजिकल मतलब नेचर, जो फिजिकल चीजें दिख रही है बस वही। इसमें किसको माना गया, पहले ही बोले थे अर्लियन, किसको मानता है, गॉड को मानता है, तो स्पिरिचुअल चीजें ही उसको रियलिटी लगती है। और रियलिज्म भी किसको मानता है, ऑब्जेक्ट को मानता है, मतलब जो फिजिकल चीजें जो चीजें दिख रहे हैं बस। तो क्लास में तो कोई है नहीं, वैसे लॉक करो डोर तुरंत। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल में ही चीजें देखते हैं और क्या क्या चीजें बोलते हैं। नेचुरलिज्म में क्या बोलता है, डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ये गॉड पे बिलीव नहीं करते, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड टू सम कॉन्टेक्ट, मतलब ये कभी कभी चीजों में गॉड को बिलीव करे, सिर्फ आइडियाज्म है वो पूरी तरीके से गॉड में बिलीव करता है, ये कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता। सम कॉन्टेक्ट मतलब कि मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई ना कोई जैसे मतलब कि रीजन है, ठीक है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। और सोल एंड गॉड डू नॉट एग्जिस्ट, इन्होंने माना है कि सोल आत्मा और गॉड होती ही नहीं है। इसमें करते हैं डू नॉट बिलीव इन वैल्यूज, ये क्या है, वैल्यूज में, सोल में, रीजन और डिवाइन स्पिरिट, मतलब कि जो डिवाइन स्पिरिट है मतलब जो आत्माएं हैं उसमें ये विश्वास नहीं करती है। वैल्यूज आर चेंजेबल, पहले ही पता चला था जो वैल्यूज है वो चेंजेबल होती है और ये मन के द्वारा बनाई गई गई है। ये चेंज विद, ये क्या होता है, ये टाइम के समय, प्लेस के समय और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वैल्यूज जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है। इसका एग्जाम्पल अभी हमने दे चुका है नेटजारफ वाला, ठीक है। आइडलिज्म में क्या बोला है, वैल्यूज आर इटर्नल, जो वैल्यूज है वो हमारी इटर्नल है और वो कभी चेंज नहीं होती है। सत्य और जो अच्छाई है वो क्या है, इंटरनल हमारी वैल्यूज है, मतलब अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है, जो चीज हमारे अंदर सत्य है वो क्या है, वो हमारी इंटरनल मतलब हमारी आंतरिक चीजें है। वो वैल्यूज क्या बोली है, ये परमानेंट होती है। एंड राइट एंड रॉन्ग वैल्यूज टू बी टॉट, मतलब कि हमारे अंदर कोई अच्छी चीजें हैं वो हमें किसी न किसी से सीखी हुई है, और जो चीज गलत चीजें हैं वो चीज किसी से, मतलब कि बच्चा गाली देना, अगर गाली दे रहा है तो वो अपने से सीख के थोड़ी आया है, माँ के पेट से तो सीखा नहीं, वो तो बाहर आके सीखा है। तो ये जो रॉन्ग वैल्यूज है वो किसी न किसी से सीखा हुआ, राइट वैल्यूज किसी को नमस्ते कर रहा, किसी के झुक के पैर छू रहा है तो वो भी उसकी राइट वैल्यूज है, वो किसी न किसी चीज से सीखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें फिजिकल एंड नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल, जो फिजिकल और नेचुरल लॉ है मतलब भौतिक और प्राकृतिक जो लॉज है वो क्या है, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। नो लॉज यूनिवर्सल मतलब इसका क्या है, जो कोई भी लॉ क्या है यूनिवर्सल नहीं है, मतलब चेंज होती रहती है, कभी कुछ होता है। इनका क्या माना है, जो मतलब आध्यात्मिक चीजें हैं बस वही क्या है, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। फिजिकल एंड नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल, इन्होंने माना है कि फिजिकल और नेचुरल लॉज इज यूनिवर्सल, इन्होंने भी माना है मतलब रियलिज्म में भी यही माना है और नेचुरलिज्म में माना है। प्रैग्मेटिज्म की माना है कि कोई लाई नहीं होता इसमें और इंडिविजुअल आइडियलिज्म ने क्या माना है कि सिर्फ भगवान ही है, सिर्फ भगवान है, गॉड 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 गॉड। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाई नेचर, नेचुरलिज्म तो पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचर ने किया है। प्रैग्मेटिज्म किसने माना है, मैन को माना है कि किसके द्वारा क्रिएटेड है, बाई मैन। और आइडियलिज्म तो गॉड को ही मानेगा, ठीक है। रियलिज्म क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है, तो फिजिकल यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाई नेचुरल लॉज, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ इन्होंने ही आइडियलिज्म ने गॉड को माना है और बाकी सब चीजों ने किसे माना है, अलग से, किसी ने नेचर ने माना है, किसी ने बाई मैन माना है। और जो मैन भी है वो किससे बना है, वो नेचर से मिलकर बना है।
आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अभी तो आगे की बहुत सारी स्लाइड है, लेकिन आप लोग ज्यादा पढ़ाओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी स्लाइड है अभी। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं मंडे को 10 AM में हम लोग क्लास लेंगे। ओके, उसका नोटिफिकेशन हम संडे को ही कल दे देंगे, आ जाएगा आप लोग में। और कल मंडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, उसमें हम लोग ये सब पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो में एक वीडियो में ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए तो आप लोग एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग। जहां नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्लास में आप लोग वहीं से पूछिएगा, क्लास में सब लोग आ जाइएगा 10 बजे और आप लोग पूछ लीजिएगा। महिमा सोसाइटी फ्रेंड का क्या मतलब आप भेजिए, हम समझ नहीं पाए। चलिए, अब कोई क्वेश्चन अगर किसी को भी पूछना है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मतलब किसी चीज से रिलेटेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर क्लास आज एंड किया जाता है। फिर कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे। हैव एनी क्वेश्चंस? हाँ यस राइट राइट मैम, बच्चा सोसाइटी एंड फ्रेंड से ही मिस यूजिंग वर्ड सीखता है। बिल्कुल, क्योंकि पहले ही बताए थे कि कोई भी बच्चा हो, आप लोग ने बहुत अच्छी तरह बीएड में पढ़ा होगा कि कोई भी बच्चा हो को मतलब, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? सबसे पहले उसके परिवार का इफेक्ट पड़ता है, उसके मतलब जो परिवार का वातावरण है उस पर पड़ता है, और फिर उसके बाद उसके जो बाहर के वातावरण है और उसका स्कूल का जो वातावरण है, ठीक है, उसके बारे में भी उसको इफेक्ट पड़ता है। जैसा उसका वातावरण मिलेगा उसी तरह से बच्चे का डेवलप होगा। घर में अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, तो वो होगा। लेकिन बच्चे का क्या है कि ये भी होता, हम लोग भी बच्चे थे तो जो गलत चीजें हैं वो हम लोग जल्दी सीख लेते हैं, है ना, मजा आता है उस चीजों में, और जो अच्छी चीजें वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बड़े होकर समझ में आता है कि हाँ ये चीजें जरूरी थी, उनको थोड़ा बस ध्यान देने की जरूरत है, बाकी बच्चे सब सीख लेते हैं धीरे धीरे, उनको पता भी चल जाएगा आगे चल के कि ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता है, जैसे हम लोग को समझ में आ गया ना कि हम लोग के मॉरल्स क्या होने चाहिए, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बस सेम लाइक ऐसे ही। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ ले, नहीं तो आज की क्लास यहीं पे एंड किया जाए। महिमा एनी क्वेश्चंस? देन यू कैन आस्क मी। ओके महिमा, थैंक यू। तो ठीक है, फिर आज की जो क्लास है यहीं पिन करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।